हेलो एवरीवन, मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो के जरिए मैं आपकी हेसप से रिलेटेड सारी क्वेरीज और डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं मेनली चार पॉइंट्स को कवर अप करूँगी। व्हाट इज हेसप, हेसप होता क्या है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, स्टार्ट कैसे हुआ था हेसप, फिर उसके क्या 12 कॉर्डिक स्टेप है और जिसके अंदर 7 प्रिंसिपल्स भी आते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करूंगी। तो 1960s में नासा ने कहा कि उसे अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए जीरो रिस्क प्रोडक्ट चाहिए, मींस ऐसा फूड जो उसके एस्ट्रोनॉट्स के लिए पूरे सेफ हो और लॉन्ग समय के लिए बिना किसी हेल्थ हजार्ड्स के वो कंज्यूम कर सके। तो इसलिए नासा ने पिल्सबरी नाम की कंपनी के साथ मिलकर उसने हेसप सिस्टम को डेवलप किया। और इसलिए जो हैसप है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फूड सेफ्टी हैजार्ड को मिनिमम से मिनिमम किया जा सके। अब आती है कि एक्चुअली में हैसप होता क्या है। तो हैसप एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें मेनली फूड की सेफ्टी को एड्रेस किया जाता है, और वो भी कैसे, थ्रू द एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल हैजार्ड्स। मीन्स पहले एनालाइज किया जाता है कि इसमें किस तरीके का हैजार्ड उत्पन्न हो सकता है, और उसके बाद उस हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए जितने भी रूल्स है और स्टेप्स हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं। और ये हैजर्ड्स मेनली तीन तरीके के होते हैं, ये बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। बायोलॉजिकल वो हो सकते हैं जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह, केमिकल में प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो फूड में ऐड करते हैं वो, और फिजिकल में कुछ भी ऐसी चीज जो फॉरेन मटेरियल आ सकता है जैसे कि स्टोन्स, फेदर्स, अगर मीट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये सारे हैजर्ड्स होते हैं। और ये हैजर्ड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, मतलब जहाँ से हम रॉ मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं वहाँ से लेकर टिल हमें फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिल जाता वहाँ तक रिस्क है कि उसमें कोई हैजर्ड्स अराइज ना हो जाए। तो इन्हीं पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए हैसप का डेवलप किया गया। तो ये था हैसप का नॉर्मल डेफिनेशन। हैसप के कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि हैसप एक प्रिवेंटिव अप्रोच है रादर देन रिएक्टिव। मीन्स हैसप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरे प्रोसेस में प्रिवेंशन की कोशिश की जाती है। मीन्स पूरे सिस्टम में ये कोशिश किया जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट आएगा उसमें कुछ ऐसा ना हो जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो, हैजर्ड्स वगैरह कुछ अराइज ना हो। तो पूरे सिस्टम को इसलिए कहा गया है कि एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। देन है कि इट इज़ अ पावरफुल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। मीन्स हैसप एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। उसके बाद है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने का और उसको कंट्रोल करने का। मींस इस पूरे सिस्टम में पहले हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाती है। तो हैसप मिलकर जो ये पांच लेटर से बना है इसका भी फुल फॉर्म है कुछ, जैसे H4 हैजर्ड, तो हैजर्ड मीन्स डेंजर टू हेल्थ। देन A4 एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ हैजार्ड, मीन्स एनालिसिस ऑफ हैजार्ड। C4 क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स क्रूशियल फॉर कंटेनमेंट, मीन्स ऐसा कौन सा पॉइंट और प्रोसेस है, स्टेप है जिस जो रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है C4 कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स कि अब हमें पता चल गया कि हाँ हैजर्ड है, उसका एनालाइज भी कर लिया हमने, तो अब हमें ये देखना है कि उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हैंडलिंग ऑफ द कंडीशन ही हमारा C4 कंट्रोल हो गया। उसके बाद है पी, पी फोर पॉइंट, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से हमारा हैजर्ड एक्चुअल में उत्पन्न हुआ है, तो उस प्रोसेस को, उस पॉइंट को ही फाइंड आउट करना ही हमारा पी फोर पॉइंट है। तो ये था हमारा हैसप का फुल फॉर्म। तो अब है हैसप की 12 कॉर्डेक्स स्टेप्स और जिसके अंतर्गत 7 प्रिंसिपल्स भी आते हैं। तो ये जो 12 कॉर्डेक्स स्टेप्स बने हैं ये पांच प्रिलिमिनरी स्टेप्स को मिलाकर और 7 प्रिंसिपल्स को मिलाकर बने हैं। मीन्स ये 7 प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले हमें ये पांच प्रिलिमिनरी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा प्रिलिमिनरी स्टेप में से पहला स्टेप है असेंबल हैसप टीम। तो इसमें सबसे पहले हम एक टीम बनाते हैं जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, मीन्स ऑलराउंडर, जो कि सारे फील्ड में काम कर सके, मीन्स प्रोडक्शन साइट में काम कर सके, शिपिंग में देख सके, क्वालिटी अश्योरेंस में, सेल्स में, मेंटेनेंस में, सैनिटेशन में, मीन्स ऐसी एक टीम बनाए जो कि सारी फील्ड में वो अलग अलग
मेंबर होकर वो काम कर सके अच्छे से। हमारा सेकंड स्टेप है डिस्क्राइब प्रोडक्ट। अब हमने टीम तो बना लिया, टीम बनाने के बाद अब हम पूरी टीम को अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे कि मीन्स हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे चॉकलेट मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे चॉकलेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारे एक टेबलर फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में मुझे शो करना पड़ेगा, पूरे मेंबर को दिखाना पड़ेगा। मीन्स हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट का नाम, उसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से मेन मेन करेक्टर हैं, उसके क्या यूज़ हैं, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में हम इसको मेंशन करेंगे, पूरी टीम को बताएंगे, देन उस पर डेट हम डालेंगे, फिर उसके बाद अप्रूव किया जाएगा ऑफिसर से ये। अब हमारा थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द इंटेंटेड यूज़। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट को हम ये यूज़ कहाँ करना है, मीन्स हमारा एंड यूज़र कौन है, जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा उसका एंड यूज़र, एंड कस्टमर हमारा कौन है। तो इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना कहाँ है, इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग में बेचना है, हॉस्पिटल्स में बेचना है, जनरल पॉपुलेशन को बेचना है, या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप को बेचना है। स्पेसिफिक ग्रुप अगर मैंने चॉकलेट्स का जैसे यहाँ एग्जांपल लिया था, तो चॉकलेट जनरली गर्ल्स और बच्चे खाते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो गया। और उसके बाद है हु शुड नॉट, और हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि मतलब ये कौन नहीं यूज कर सकता हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हो सकता है उस प्रोडक्ट में कुछ एलर्जन हो जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए नहीं अच्छा हो, उसके लिए हैजर्ड हो सकता है। एलर्जन ऐसी चीज होती है जो हम जिस चीज से हमें एलर्जी हो, जैसे किसी को मशरूम से एलर्जी होती है, जैसे अगर मिल्क की बात करें, किसी को मिल्क से एलर्जी होती है क्योंकि उसमें जो लैक्टोज होता है उससे वो इंटॉलरेंट होते हैं। तो इसलिए वो चीजें हमें मेंशन करनी होगी उसमें, प्रोडक्ट में, जिससे कि किसी के लिए वो हैजार्ड ना बन जाए। उसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्ट फ्लो डायग्राम। तो अब हमने यहाँ तक जो भी किए उसके लिए अब हमें एक फ्लो चार्ट, एक फ्लो डायग्राम बनाना है, जिसके अंदर हम सारे स्टेप्स को मेंशन करेंगे कि हमने रॉ मटेरियल जहाँ से हमने कलेक्ट किया वहाँ से लेकर पूरा एंड यूजर तक हमारा प्रोडक्ट पहुँच नहीं जाता तब तक। तो इस पूरे फ्लो डायग्राम में डिटेल वाइज हमें मेंशन करना है, तो जिसमें डेट, टाइम, टेम्परेचर, सब कुछ, एक एक चीज जहाँ से हैजर्ड अराइज हो सकता है, इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है। लास्ट स्टेप है ऑन साइट कंफर्मेशन ऑफ फ्लो डायग्राम। अब फ्लो डायग्राम बना तो लिया, उसके बाद बनाने के बाद उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक की जाती है, और ये कौन चेक करता है, उससे कोई हायर ऑफिसर जो है जिसने अपॉइंट किया है वो चेक करेगा एंड में कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है या नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं गया है। तो ये करना ऐसा जरूरी है क्योंकि ये रिस्क हो सकता है अगर कुछ छूट गया तो। तो ये थे हमारे 5 प्रीलिमिनरी स्टेप्स। प्रीलिमिनरी स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारे 7 प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अब जाके है सबके। तो इसमें से पहला हमारा प्रिंसिपल है कंडक्ट अ हैजर्ड एनालिसिस। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हम हैजर्ड का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन्स सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे कि उसमें देखेंगे कि किस तरीके का हैजर्ड अराइज हो सकता है। जैसे बायोलॉजिकल में बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है। अगर केमिकल की बात करें तो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू हो सकते हैं, जो हम मशीन्स वगैरह और यूटेंसिल्स वगैरह को क्लीन कर रहे हैं तो उसके केमिकल्स बचे उचे हो सकते हैं। और फिजिकल की बात करें तो उसमें स्टोन्स वगैरह रॉ मटेरियल के साथ आ सकता है, और मशीन्स की कुछ मेटल्स वगैरह उसमें गिर सकते हैं, हेयर पिंस वगैरह उसमें गिर सकते हैं। तो ये हमारे हैजर्ड हो सकते हैं। तो इसमें हमें लिस्ट बनाना है कि किस तरीके का हैजर्ड अराइज हो सकता है, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या उसको प्रिवेंट करने का रास्ता हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद उसमें GMP, SOP, SSOP, ये सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिसेस है ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इन सब की एक लिस्ट बनानी है कि इसको अच्छे से फॉलो करना है। GMP मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SSOP मीन्स सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो स्टेप्स हैं वो सारे इन सब में फॉलो किए जाते हैं। तो इन सब का सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमारा आता है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो इसमें अब हमने एनालिसिस तो किया कि हाँ लिस्ट तो बना लिया कि क्या 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 हैजर्ड अराइज हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप में वही हमें ये डिटरमाइन करना है कि कहाँ से किस पॉइंट से हमारा जो हैजर्ड है वो अराइज हो सकता है।
क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स मीन्स वो ऐसा पॉइंट जहां से हमारा हैजर्ड मेनली किसी भी स्टेप में, हर एक स्टेप में हो सकते हैं हैजर्ड, तो उसको डिटरमाइन करना ही हमारा सेकंड प्रिंसिपल का रूल है। तो इसके लिए हमें एक सीसीपी डिसीजन ट्री फॉलो किया जाता है। सीसीपी डिसीजन ट्री मीन्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट डिसीजन ट्री। तो इस ट्री को फॉलो करके इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसका आंसर यस में है तो क्या स्टेप करना है, नो में है तो क्या करना है, इस ये पूरा स्टेप फॉलो करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन सा है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि सीसीपी भी डिसीजन ट्री, तो इसके लिए मैं एक अलग से आपको एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन अभी अगर मैं कंटिन्यू करी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि सीसीपी डिसीजन ट्री फॉलो किया जाता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को पता लगाने के लिए। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच सीसीपी। मींस हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफाई तो कर लिया, मींस किस पॉइंट से हमारा हैजर्ड अराइज हो सकता है वो पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जरूरत है उस पे कुछ लिमिट लगाने का, मींस कितना, जैसे किसी स्टेप में हमें टेम्परेचर की वजह से कोई हैजर्ड अराइज हो रहा है तो हमें उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सेट करना होगा, वो आइडेंटिफाई करना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा वो। और अगर प्रिजर्वेटिव के केस में अगर देख ले, जैसे कि सॉल्ट और एसिड ये सब हो गया, तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये सारी चीजें हमें एस्टेब्लिश करनी होगी। अब प्रिंसिपल नंबर 4 में ये है कि एस्टेब्लिश अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीपी। मींस हमने सीसीपी की क्रिटिकल लिमिट भी अब हमने एस्टेब्लिश कर दी, तो अब हमें लास्ट में ये करना है कि उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है कि उसको सही करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हो सकते हैं। तो इसमें यही करना है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है ताकि हम अपने हैजर्ड को, अपने सीसीपी को कंट्रोल कर सके, अच्छे से मॉनिटर कर सके। देन नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल नंबर 5, एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। अब हमने ये है कि हाँ हमने पूरी कोशिश की कि हमारे पूरे भी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी अराइज ना हो हमारा हैजर्ड, लेकिन बाय चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके क्या करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं, यही हमारा प्रिंसिपल नंबर 5 बताता है। मीन्स एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस कि अगर कुछ भी डेविएशन होता है तो उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कि अगर बाय चांस आग लग गई तो उस समय हम आग को बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम पानी उस पे फेंक सकते हैं उसको बुझाने के लिए, या फिर रेत वगैरह। तो उस समय जो हमने स्टेप फॉलो किया उसको करेक्शन कहेंगे। देन उसके बाद सेकंड फिगर में ये दे रखा है कि करेक्टिव एक्शन, तो किस वजह से हमारा फायर लगा था उस पॉइंट को, उस क्रिटिकल पॉइंट को ही ढूंढना हमारा करेक्टिव एक्शन कहलाता है। देन लास्ट में है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मीन्स कि जिस वजह से हमारा फायर अराइज हुआ था उस पॉइंट को ही रिमूव कर देना, तो ये हमारा प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव एक्शन कहलाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में, करेक्शन, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन में। तो इसमें जो प्रिंसिपल नंबर 5 जो बताता है वो हमारा करेक्टिव एक्शन को बताता है, मीन्स इसको बताता है करेक्टिव एक्शन को, कि उस स्टेप को हमें, उस स्टेप को ही रिमूव करना जिसकी वजह से ये हुआ है और ये दोबारा ना हो, ये प्रॉब्लम है राइज। देन प्रिंसिपल नंबर हमारा 6 है, एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। मींस अब हमने सारे करेक्टिव एक्शंस फॉलो कर लिए जिसकी वजह से हैसअप अराइज ना हो, देन सब कुछ होने के बाद अब एक वेरिफिकेशन लास्ट में होता है, तो उन पूरे प्रोसेस को, पूरे स्टेप्स को वेरीफाई किया जाता है, पूरे सिस्टम को एक बार रिव्यू किया जाता है, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो इन सारे चीजों को प्रिंसिपल नंबर 6 में रखा गया है कि एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर को अच्छे से एस्टेब्लिश करना और सब कुछ अंडर कंट्रोल में रखना, ये सब कंफर्म करना, ये इस प्रिंसिपल नंबर 6 हमारा बताता है। उसके बाद है प्रिंसिपल नंबर 7, एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। लास्ट में यही है कि हम एक रिकॉर्ड के तौर पे पूरे हैसअप सिस्टम को रखना। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये आ सकते हैं कि हैजर्ड को कैसे एनालाइज किया गया था, सीसीपी का कैसे डिटरमाइन किया गया था, क्रिटिकल लिमिट जो डिटरमाइन किया था, वो सारे स्टेप डॉक्यूमेंटेशन में आ गए। और रिकॉर्ड्स में आ गए कि सीसीपी को मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटी फॉलो की गई थी, क्या क्या डेविएशंस आए थे, ये सब ये सारे आ जाते हैं रिकॉर्ड एग्जाम्पल्स में। तो लास्ट प्रिंसिपल यही कहता है नॉर्मल तरीके से कि मतलब रिकॉर्ड बनाकर पूरे सिस्टम को रखना। तो ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल और स्टेप्स। तो ये था पूरा हैसअप के बारे में।
होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।